The next morning. Good morning, friends. तो बस अभी हम आए हैं मसाला डोसा खाने के लिए। इधर एक पास में छोटा सा एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, डोसा बहुत सही बनाता है। कल हमने खाया था तो बस सुबह भी हम डोसा का नाश्ता करने आ चुके हैं। मसाला डोसा एंड चटनी, ये सांभर नहीं देते यहाँ पे, लेकिन डोसा अल्टीमेट है। तो बस सुबह के बजे हैं तकरीबन 8:30। सोचा यार नाश्ता वास्ता करके चलते हैं। आज जा रहे हैं हम लोग फेवा लेक में बोट राइड करने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा डोसा तैयार। इनका डोसा और इनकी मसाला चाय दोनों ऑसम है। 2 hours later। तो ये है फेवा लेक। चारों तरफ सही हरियाली है और पानी एकदम शांत, कोई भीड़ भड़का नहीं है अभी। ये सब उन्होंने अपने बोट्स पार्क कर रखी है और इनका सीन देखो यार, तो केरला की याद आ जाती है। वैसे साउथ इंडियन मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। मतलब इतना शांत है ना पोखरा, इतना शांत। मतलब यहाँ आओ और आराम से यार 10 दिन रहो ना लेक साइड, तो यार ये लगता है जन्नत से मिल गई आपको। एकदम शांत, चिड़ियों की आवाज, आराम से यहाँ बैठ जाओ आके। मानो जैसे आपको कोई वैराग्य मिल गया हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये है फेवा लेक, हम करने वाले हैं बोटिंग। यहाँ बीच में एक मंदिर है तो बस वहीं जाएंगे। तो हो गए तैयार रजुल भाई? यस, स्विमिंग करने के लिए। ठंडी के अंदर स्विमिंग। कुछ नजर नहीं आ रहे। आ गए आ गए आ गए। सो ये हो गया हमारा टूर 630 नेपाली रुपीज। पीछे में एक मंदिर है। मंदिर किसका है भाई? शंकर भगवान का मंदिर है। हाँ भाई, सब सेम सेम होता है। तो फाइनली हम लोग हैं एकदम फेवा लेक के मिड में। और यहाँ यार देखो, जैसे एकदम सही वाला लुक है। ऐसा लग रहा है जैसे श्रीनगर में शिकारा राइड कर रहे हो। वैसे पोखरा यहाँ का श्रीनगर ही समझ लो आप। सेम पहाड़ियों के बीच बना हुआ, और ये फेवा लेक जो अपनी हो गई डल झील। पूरे टापू टापू से बने हुए हैं। और बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास। इस पहाड़ी के पीछे ही हमारा मंदिर है जहां हम जाएंगे। वो देखो सामने, ये है यहां का पुराना प्रसिद्ध मंदिर। यहां यार कुछ आके ना से यहाँ लोग बाग दिखे हैं। अभी तो यार रास्ते में लग रहा था जब हम लोग अकेले ही राइड कर रहे हैं। एकदम पहाड़ की गोदी में बसा हुआ है। अभी यहाँ पे भी टूरिज्म स्टार्ट हुआ है तो मोस्टली यहाँ के लोग लोकल्स ही हैं अभी। तो हम लोग पहुँच गए मंदिर। बस यहाँ ये भैया अपनी पार्क लगा के हमें टाइम दे।
दर्शन नहीं किए थे क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और बोट वाले भैया ने हमें 30 मिनट दिए थे। 30 मिनट में आप घूम लो, फोटो वोटो ले लो, फिर चलना क्योंकि उनका नेक्स्ट चक्कर भी होता है। और ये हम मंदिर के हम बैक साइड में जहाँ से दूसरी ओर से बोट्स आ रही है, तो ये दिक्कत नज़र आया यहाँ का। बट यहाँ आपको लाइफ जैकेट पहनना कंपल्सरी है, आपको पहनना ही पड़ेगा, तो अच्छा है वैसे भी। ये है फेवा लेक और अभी हम बीच में एक मंदिर में, मौसम बड़ा सही शांत है। मंदिर की परिक्रमा कर रहा है क्या? क्या मंदिर की परिक्रमा कर रहा है क्या? बस जा रहे हैं वापस। फजल भाई चले चल ही रहे क्यों? कोई सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अच्छा अच्छा, रुजू भाई बहुत सरप्राइज लेके बैठे हैं अभी आप। जब से आया हूँ ना सरप्राइज ही दे रहे हैं। अभी एक खतरनाक सरप्राइज है। बनाओगे क्या? बस पीले और एक कुछ बजा से। बस ऐसे शुरू किया था ना। बस बस वोट भी कर ली क्यों? ये है इसका एंट्री पॉइंट। मास्क पहन मास्क
कहाँ चलना? कहाँ चलना? देखते क्या करते हैं। तो ये क्या है रुजुल भाई? बखाली खाना। और रुजुल भाई खा रहे हैं यहाँ की लोकल फिश। ये रहा। मैं वेज दाल भात। थकाली इनका भी मीन्स बिहारी स्टाइल ही है मीन्स खाना। ये दाल ये क्या है? पत्ता पत्ता सा वो सरसों। ये आलू गोभी, ये चटनी, कुछ अचार अचार, फ्राई पापड़ और दही। चलो खा के देखो। इसमें छोटा सा जनरल स्टोर है। यहाँ भी है ना ऐसे कोई अल्कोहल रखने के लिए अलग से आपको डेडिकेटेड ठेका लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दुकान में रह सकते हैं। बहुत ओपन है और यहाँ कोई ऐसा टाइमिंग भी नहीं है कि 8 बजे सब बंद हो जाएगा और इतने बजे खुलेगा। भैया 24/7 सर्विस है। जब आपका मूड बना भाई बोतल लिया और कटका लो तो देखो परचून की दुकान और बियर बार कॉम्बो ऑफर में है यहाँ पे।